दसवीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र में दसवीं के नतीजे स्कूल की ओर से ली गई परीक्षा के आधार पर घोषित होंगे। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने यह ऐलान किया, जून के आखिर तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो स्कूल ने जो परीक्षा ली है उसके आधार पर अब नतीजे घोषित होंगे, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि जो प्री बोर्ड्स होते हैं उसमें बच्चे उस तरीके की तैयारी के साथ इम्तिहान नहीं देते हैं जिसमें वो बोर्ड के एग्जाम में देते हैं। तो ऐसे में कुछ बच्चों का जरूर ये कहा जाए कि मसला होगा कि उनके नंबर कम आए हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने यह ऐलान किया है कि जून के आखिर तक दसवीं के नतीजे घोषित होंगे और ये जो नतीजे होंगे वो स्कूल ने जो परीक्षा ली हुई है उसके आधार पर घोषित किए जाएंगे। तो महाराष्ट्र में दसवीं की बोर्ड की परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला, स्कूल में ली गई परीक्षा के आधार पर नतीजे घोषित होंगे। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने यह ऐलान किया है। रौनक कुकड़े हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। रौनक, एक तरीके से देखा जाए तो कोरोना के खतरे को देखते हुए संकट काल में ये एक अच्छा फैसला था कि दसवीं की परीक्षाओं को टाला गया था, लेकिन ये जो परीक्षा में जो रिजल्ट की बात अब की जा रही है उसमें कुछ बच्चों को जरूर दिक्कत आएगी, क्योंकि प्री बोर्ड्स बच्चे उस सिंसेरिटी के साथ, उस गंभीरता के साथ नहीं देते हैं जितना वो बोर्ड के एग्जाम्स देते हैं। ऐसे में कुछ बच्चों के नंबर कम रह सकते हैं। जी निश्चित तौर पर शोभना, लेकिन जो सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें इस बात की जानकारी है कि अगर इस तरह से एवरेज मार्किंग यानी नौवीं की जो स्कूली परीक्षा थी और उसके अलावा टेंथ में जो अब तक इंटरनल एग्जाम हुए उसके आधार पर अगर इनको पास किया जाता है तो कुछ बच्चे निश्चित तौर पर नाखुश भी इस रिजल्ट से हो सकते हैं। इसलिए उनके लिए कोविड का जब खतरा टल जाएगा उसके बाद दो एग्जाम वो दे सकते हैं और उसके बाद वो अपनी रिजल्ट जो है अपने हिसाब से उनको मिल सकता है। इस तरह की बात भी जो है उसमें एक ऑप्शन रखा गया है, लेकिन सरकार इस निर्णय पर साफ दिख रही है कि टेंथ की एग्जाम जो है वो महाराष्ट्र में फिलहाल नहीं ली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद रौनक कुकड़े इस पूरी जानकारी के। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।